हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे एमडीयू एमएड का एजुकेशनल स्टडी सेमेस्टर वन का क्वेश्चन पेपर। 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। अप्रैल में जो आपके एग्जाम्स होने थे, बट ड्यू टू कोविड एग्जाम्स दो बार आपके पोस्टपोन हुए एंड फाइनली ये एग्जाम्स आपके जो कंडक्ट हुए हैं जुलाई मंथ में कंडक्ट हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। एंड जून एंड एंड जुलाई स्टार्टिंग में एग्जाम्स चले हैं। दो एग्जाम आपके जून एंड में हुए थे, दो एग्जाम्स आपके जुलाई में हुए थे, स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। एंड देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, आपको हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना है एंड कंपलसरी क्वेश्चन फर्स्ट है। एंड ये पैटर्न हमेशा फॉलो होता है, बट दिस टाइम स्टूडेंट्स को एक एडवांटेज था कि वो कोई से भी 5 प्रश्न अपनी चॉइस से कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर है। एमएड के अगर आपको नोट्स चाहिए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में, तो कांटेक्ट करें सेल्स एग्जीक्यूटिव को। सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपका देखिए 4 मार्क्स का हर एक पार्ट रहता है क्वेश्चन 1 में एंड 4 × 4 16 मार्क्स का ओवरऑल आपका क्वेश्चन 1 रहता है। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है कंटेंट नॉलेज एंड पेडागॉजी। नॉलेज से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। दैट मीन्स टू टू पेजेस और 2.5 पेजेस कंटेंट वाइज। देन बी पार्ट है इंटर रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, कि क्या संबंध है, अंतर संबंध है एजुकेशन में और साइकोलॉजी में, शिक्षा में और मनोविज्ञान में। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया। देन स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रबंधन क्या है। देन यूनिट 1 से यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्कस एजुकेशनल थॉट्स ऑफ आर एन टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के एजुकेशनल थॉट्स के बारे में आपको लिखना है एंड इसमें इंट्रोडक्शन में आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस इन डिटेल द फॉलोइंग। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन। अगेन एम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पार्ट इज थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो यहाँ पे 8-8 मार्क्स के आपके दोनों पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से चॉइस है, बट ओवरऑल दिस ईयर स्टूडेंट्स के पास एक एडवांटेज था कि कोई से भी 5 क्वेश्चंस वो कर सकते हैं। यूनिट 2 से बात करेंगे। अगेन 2 क्वेश्चंस हैं। राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। सेकंड पार्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। राइट 8 मार्क्स में अगेन दोनों पार्ट्स आपके डिवाइडेड हैं। ओवरऑल आपका क्वेश्चन 4 जो है वो 16 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो डिस्कस इन डिटेल द इंटर रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। देन यूनिट 3 से 6th एंड 7th क्वेश्चन आपका डिफाइन मल्टी कल्चरलिज्म। आर वी मल्टी कल्चरलिज्म, आर वी अ मल्टी कल्चरलिज्म सोसाइटी। क्या हमारी सोसाइटी मल्टी कल्चरलिज्म है। एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म। साथ में आप बताएंगे करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं मल्टी कल्चरलिज्म की। तो ये टॉपिक आपका बीएड में भी था, एक रिपीटेड टॉपिक हम बोल सकते हैं एंड काफी अच्छा टॉपिक ये है। साथ में देखिए यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के एजुकेशनल थॉट्स आपने बीएड में भी पढ़े होंगे, लेकिन एमएड में ये और अच्छे से डिस्कस करके थोड़ा सा इन डेप्थ तरीके से बताए गए हैं। तो कुछ चीजें बीएड से भी यहाँ पे आपकी लाइक कॉपीड है, आप बोल सकते हैं रिपीटेड है एमएड में। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वेरियस प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप्स इन इंडियन सोसाइटी। तो पहले आप बताएंगे कि सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप्स कौन से होते हैं सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में कौन से हैं। देन उनके बारे में जो जो प्रोविजंस है वो सब आपको डिस्कस करने हैं। पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 8 एंड 9 यहाँ पर है। दोनों ही क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड आपके 16 मार्क्स ये दोनों क्वेश्चन है। पार्ट्स की बात करें तो 8 और 8 लाइक 8 8 मार्क्स के लिए ये डिवाइडेड है यहाँ पर। सो ए पार्ट एंड बी पार्ट दोनों 8 8 मार्क्स के। देन ओवरऑल क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स में। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे टीचर्स ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस। बी पार्ट इज स्कूल एज अ साइट ऑफ करिकुलर इंगेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन ब्रीफ नोट्स आपको लिखने हैं दोनों पे।
रोल ऑफ मीडिया इन स्कूल एजुकेशन या फिर मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल्स। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन पेपर आपका लेंदी है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स में जो क्वेश्चन डिवाइडेड हैं वो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, तो ऐसे में कंटेंट हमेशा बढ़ जाता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की ही बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं तो 15 मिनट्स आप एक पार्ट में डिवोट करें, 15 मिनट्स 15 मिनट्स, और इजीली 15 मिनट से ऊपर ही आपके जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, 15 मिनट्स लिखना है, जहां पे 15 मिनट से 16th हुआ आप वहां पे इसको स्टॉप कर दें, अदरवाइज आपका एग्जाम छूट जाएगा। सो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। मैं हमेशा एक चीज आपको बोलती हूँ कि आप इस वाले क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को एंड में करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा सिर्फ एक ही क्वेश्चन खा जाता है बच्चों का, जो कि स्टूडेंट्स की हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती है कि मैम हम इस क्वेश्चन में टाइम डिवोट नहीं करते हैं, कि फर्स्ट पार्ट में 15 मिनट्स डिवोट नहीं करते हैं। तो वहाँ पे कंटेंट जितना रिक्वायर्ड है, दैट इज टू 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 एंड अ हाफ पेजेस, वो उतना नहीं लिख पाते हैं। 15 मिनट्स मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है एंड उतना ही आप डिवोट करें, अदरवाइज आप क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपके आंसर्स छूट जाएंगे। तो 15 मिनट्स के हिसाब से हर एक पार्ट आप करें, 1 घंटा इसमें आपका इजीली लग जाएगा, इसको लास्ट में करें इसलिए। देन यूनिट से मैं बात करूं, अगर हर यूनिट से एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए हाफ एन आवर डिवोट करें, हाफ एन आवर हर यूनिट से करेंगे तो 2 आवर्स आपके होते हैं, 15 15 मिनट्स इसमें देंगे तो 1 घंटा, ओवरऑल आपका 3 आवर्स का एग्जाम बिल्कुल सेट हो जाता है। इससे ज़्यादा टाइम अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में डिवोट किया तो कोई ना कोई और क्वेश्चन उसके लिए सेक्रीफाइस करेगा और उसका आंसर आप का रह जाएगा, जिसमें अगर आप सारे आंसर्स को अटेंड करते हैं तो देखिए 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अगर आप सभी क्वेश्चंस करेंगे, किसी में चाहे थोड़ा या कम लिख दें, किसी में ज्यादा लिख रहे हैं किसी में कम लिख रहे हैं, बट आपकी यहाँ पे एक एवरेज अच्छी जाएगी। सारे क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो मार्क्स आपके ज्यादा अच्छे आएंगे, तो इसी तरीके से आप ये वाला फंडा बिल्कुल फॉलो करें। तो इस क्वेश्चन पेपर का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में बात करें सेमेस्टर 1 की, तो बीएड सेमेस्टर 1 के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। उसके लिए आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करेंगे, नोट्स आपको बाय कूरियर आपके घर पे डिलीवर हो जाते हैं। तो उसके लिए आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करें, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, जो सब्जेक्ट्स आपको चाहिए या सभी सब्जेक्ट्स चाहिए तो सेमेस्टर 1 ऑल सब्जेक्ट्स लेकर भेजें उनको। व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप का लिंक, डायरेक्ट लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में आपका इंग्लिश मीडियम है या हिंदी वो लिख कर भेजें एंड अपना पिन कोड, ताकि आपको डिलीवरी चार्जेस साथ साथ बता दिया जाए सेल्स एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो इस तरीके से 1 वीक के अंदर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 2 टू 3 डेज में आपको नोट्स मिल जाते हैं। तो दैट आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट कि किस क्वेश्चन को आपको पर्टिकुलरली किस तरीके से अटेंड करना है, किस टॉपिक में कितना लिखना है और क्या लिखना है, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगी, एक सैम्पल आंसर शीट दिखाऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से स्टूडेंट्स ने आंसर्स को अटेंड किया है। एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट का मैं आपको आंसर शीट यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगी, आई बटन है यहाँ पे, लिंक आ रहा होगा आपके पास, तो इस पे क्लिक करें एंड आंसर कैसे लिखना है वो देखें। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है, आप वो वाली वीडियो जरूर चेक आउट करें। थैंक यू।